सारी जी न्यू जनरेशन है वो सरैकी बोलेंदे शर्मांदे ने आदने तो बेइज्जती है ये देहाती बोली लोग क्या आखन सरैकी बोलेंदे ई वजह करके वो अपनी सरैकी को भूल दे वरन जुबान एक बूटा है इनु गोडी करनी पंदी है इनु पानी देना पंदा है इनु धूप तो बचाना पंदा है क्या करना किसे पुलिस ने आके नहीं करना माँ प्यो करना है खास तौर पे माँ है क्यों आंदे ने माँ बोली पहला लफ्ज बच्चा जेड़ा बोलदा माँ है बिल्कुल बिल्कुल खुदा दा नाम जे बोलो तो सही त्रुटी पे जी बोलो बोलो मेरी बुढ़े हो मेरी बुढ़े हो थोड़ा बहुत भावे किसे दूजी जुबान दा सारा ले लो पानी दा इतना निजाम खराब हो गया है कि जिहड़ा सीवरेज सिस्टम हुंदा ना गटरां दा पानी चिराग तले अंधेरा इसे नु आंदे अरे तो कोई गल ना होई मोड़ तुसी उर्दू ठोकी खड़े हो चलो पंजाब ए मला दी उक्की सुक्की मोड़ ठीक है चस्कुटा आ गया के केड़ी नहीं गली जिथे फतो नहीं खड़ी ए तुसी दसो भी इंदा जिम्मेदार कौन है ताकि बंदा कोई तरला करन वाला बने एवें रेते तो मूत्रन वाली गल है निभदी जुनाई नहीं ते आवना तना निभदी जुनाई नहीं ते आवना तना सुते पे ढोल नू जगावना तना निभदी जुनाई अस्सलाम वालेकुम इस हफ्ते की पहली कसौटी में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब शेख रशीद साहब की डम्मी और हमारी टीम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम सर ये क्या हुआ मतलब जी जनाब जनाब इज्जत माँ आफ्ताब इकबाल साहब देखिए पाकिस्तान का बहुत ही जाना माना ना ये आप मेरी बातों पे हंस क्यों रहे हैं हालांकि मुझे रोना चाहिए थोड़े जनाब मैं बड़े अरसे से ये आपका कसौटी देख रहा हूँ बच्चे हैं ये इनको क्या पता कि शख्सियत कैसी पूछी जाती है जो शख्सियत मैंने पूछनी है आपके 14 तबक रोशन हो जाने बंदा नहीं मिलना वाह अरे वाह अच्छा मुझे ये बताइए कि आज ज़िया मुहिद्दीन साहब किधर रह गए सर वही हम सोच रहे हैं आज कसूर गए हैं और ये लाहौर आए हैं कैसी गए देखें जी ये भी एक सच्चाई है क्या सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से देखें बाबे खा लिए खा गया बाबे देखें डॉक्टर साहबा दो बाबे खा चुके हैं ये क्या मतलब यानी एक ज़िया मुहिद्दीन और एक एफएसजे ये खा गए हैं हाँ जी लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब ये पिंडी का नौजवान चना होगा लोहे का जिसको चबा नहीं सकते आप वो क्या कहने क्या कहने शेख साहब इनकी एक फुटेज याद है किसी को चने खाते हुए सर इनकी बड़ी फुटेज है कायल खाते हुए सारे मोटरसाइकिल तो जिवें दौड़े ने क्या कहने पंप ला के दौड़ रहा हुंदा जनाब कसौटी शुरू करें हाँ जी बच्चों आपके साथ माजरत आज कसौटी की शख्सियत मैं पूछूंगा देखते हैं जी कैसे पूछते हैं अरे वाह जी पूछें जी। अच्छा जी शख्सियत जिंदा जिंदा है जी हाय ताल्लुक पाकिस्तान से जनाब कुछ सियासतदान है जनाब अरे वफाकी वजीर है जनाब और अनमैरिड है जनाब इमरान खान की आंख के तारे हैं जनाब नौजवान ताजा दम है जनाब 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 ले जी मुराद सईद वाह 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 देखें जनाब मैंने बड़े बड़े कूड़ मगज देखे हैं लेकिन लेकिन जनाब ने तो हद ही कर दी है नहीं तो और क्या था आपके जहन में जनाब आया ना दिखा के कहते हैं कौन है तू जनाब आपके सामने शख्सियत मौजूद है यानी जो मैंने इशारे पूछे सारे मेरी तरफ थे हैं देखे जी गैर शादीशुदा भी है हाँ जी विफाकी वजीर भी है जी जी इमरान खान की आंख के तारे कम से कम ये समझते हैं कि मैं हूँ जी जी खुदा का वास्ता ऐसा ना बोले चले चले हो सकता है आप हो नौजवान आप किस तरफ से ये इसने ये भी पूछा था जी आपने आते ही कहा नौजवान चले जी मेरी कसौटी तो इन्होंने पान दी अब रियल कसौटी हो जाए
रियल कसौटी में फिर आप इनका साथ देंगे या हमारे साथ होंगे? ये आपके साथ है भाईजान, मैं कोई पागल नहीं पिंडी से ऐसे आपके पास आ गया हूँ। फिर आप वादा करें कि मुझसे पूछे बगैर सवाल दागेंगे नहीं? ठीक है जनाब, प्रदेश में जो बैठे हुए मान लेते हैं जी। दूसरा, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। हो गया ये भी ना, और की मेरी जेब से पैसे कितने ये भी बताऊं। इसके अलावा मैं कुछ सोच रहा था आपको मनवा लिया जाए। तो शुरू करें। शख्सियत। मर्द जी। जिंदा नहीं। ओह, ये बड़ा प्रॉब्लम। एशियाई नहीं। ताल्लुक यूरोप से जी। ओ, मेनलैंड यूरोप से जी। यानी कि टेम्पो बन गई हूँ। हाँ जी, हाँ जी। भाई शो चल गए ना। सर नहीं उठाने देते। तेजी बैठे ने इस्लामाबाद। हाँ जी। यूरोप नो, वो लिखने की बजाय जीरो काटा खेली जा रही है। ये भाई जान, ये जी उमर साहब, ये इस शो के मंसर फहीम साहब हैं जी। जो हमारे खबरदार में होते ना, गुप्त आदमी। गुपचुप नहीं है। अब वो भी वो वाले मंसर नहीं रहे। उसने सीजन की पहली जुगत भी कर दी, सीजन की पहली फीकी भी कर दी जी जी। और सीजन का पहला फरलू भी लगा दिया। जी जी, लगा दिया फरलू, बगैर पूछे छुट्टी कर गया जी सर। अच्छा जनाब, हमारी जो शख्सियत है उस तरफ आ जाए जी। जी, इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका जी। 100 साल से ज्यादा हो चुका जी। 500 साल से ज्यादा हो चुका नहीं। 100 साल से ज्यादा, 500 साल से कम। 100 साल से ज्यादा का मतलब हुआ 1921 से भी पहले पीछे की पर्सनालिटी है। तो क्या 200 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं। 1821 से 1921। वेरी इंटरेस्टिंग। यस, एरा बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा जनाब, हमने सेवन पिछली दफा कह दिया था कि बॉब वुडवर्ड वो भी हो सकता है, लैरी किंग भी हो सकता है जी। जबकि शख्सियत जिंदा नहीं थी, नहीं थी। बॉब वुडवर्ड इज स्टिल अलाइव और उसकी रिसेंटली एक किताब भी आई है। ये वाटरगेट वाला जी, वाटरगेट स्कैंडल जिसने एक्सपोज किया था, वही जो निक्सन के गेटों में बैठा था जी, जी। एक फिल्म है वाटरगेट स्कैंडल पे, वेरी स्लो, डेड स्लो, लेकिन कमाल की फिल्म है। बहुत अरसा हुआ मैंने देखी थी, ब्लैक एंड वाइट है गालबन। लेकिन अगर आप इस केस को समझना चाहते हैं ना, तो फिर वो देखिएगा ऑल द प्रेजिडेंट्स मैन। ऑल द प्रेजिडेंट्स मैन, वेरी फेमस मूवी। अच्छा जनाब, इधर आ जाए। हाँ जी, उधर आ जी। ताल्लुक जर्मनी से हो सकता है, फ्रांस से हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली फ्रांस से। ताल्लुक फ्रांस से है जी। अरे भाई, ये की है क्या मतलब? जर्मनी क्यों नहीं पूछा? मैंने कहा जर्मनी से हो सकता है, फ्रांस से हो सकता है। अच्छा, साडे को वो अख नहीं हैगी, इन्हें उठे ना कोई लाइट बज रही है। पक्की गल है, इनका भी मक्कल बैठा होता है ऊपर। मैंने देखा कि जो आपने एरा पूछा है ना, फ्रेंच पर्सनालिटीज हैं जो ज्यादा मशहूर हैं। अच्छा अच्छा, ताल्लुक सियासत से भी है? भी है। भी सियासत से भी है, यानी कि क्रिमिनल है जी। बड़ा प्यारा शेर इस बात पे आ रहा है, लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं। क्योंकि मुझे आता ही नहीं यार। अच्छा जी, सियासत से भी ताल्लुक जी, ये पर्सनालिटी है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, नेपोलियनिक एरा, उसकी पर्सनालिटी है। नेपोलियन को शिकस्त हुई थी वाटरलू में और ही वॉज टेकन टू सेंट हेलेना। हाँ, वो काफी देर कैद भी रहा, 21 के बाद 23 गालबन 23 में ही डाइड। कितने सवाल हो गए जी? 19 11 11 फ्रांस का हुक्मरान था? नहीं। 12 अफ्ताब, मुझे पता है क्या लगता है जी, चाय मंगवा लेते। अच्छा जनाब, ताल्लुक इल्म फजल से भी है जी।
वजह शोहरत की गोया वो है जी। फिर सियासत से है, देखा ना कैसे मुझे डिविएट करवाया, सियासत से भी है भी क्या। अच्छा इतने नहीं हम जालिम लोग, आप बिल्कुल ही जालिम ना पेंट कर दें। अच्छा जी, इल्म फजल से कुछ शोरा फाक राइटर जी। तनाज वो क्या होता है? सटायरिस्ट नहीं। तनाज भाई क्यों? तनाज मैं नाज का बड़ा भाई नहीं नहीं तनाज सटायरिस्ट। सटायरिस्ट जैसे वॉल्टियर है। अच्छा पहले सटायरिस्ट तो बता दो। सटायर तंजिया, जैसे अताउल्लाह कासमी है जी, जैसे जफर इकबाल है ये कॉलम लिखते हैं ना, जैसे अनवर मकसूद है। अनवर मकसूद है, वाह वाह स्टाइलिस्ट, बड़े बाकमाल स्टाइलिस्ट, क्या बात है। अच्छा जी, तो गोया ये तो लिटरेचर का बंदा निकला है। कितने सवाल हुए? 15। ओह ओह माय रेड जोन जी, रेड जोन शुरू हो गया, इसी इसी में रेड जोन आ गया जी, जी और आ गया। क्या अब बेफिक्र होके जाएं जी, वजीर दाखला आपके साथ बैठा रेड जोन रेड जोन। ये पहला फिकरा Column? जो आपकी सैलरी जस्टिफाई करता है। अच्छा जनाब, हम इस वक्त नैरो डाउन करें विक्टर ह्यूगो को। ओह माय गॉड, हम नैरो डाउन करें अलेक्जेंडर डुमा। अलेक्जेंडर डुमा को छोड़े, इस डूम के बारे में क्या कहते हैं? अच्छा जी, लिटरेचर लिखा इन्होंने जी। वाह वाह वाह, ले मिजराबल के राइटर हैं जी। यार एक मिनट, शो बंद किया जाएगा। खवातीन हज़रात प्लीज मेरी बात, आप यकीन करें मैं आपको बता रहा हूं, मैं इत्थे कुरान लेके आ जाऊं तो हद तक की कसम खावांगा कि किसी ने कुछ नहीं बताया। ये नहीं पहले क्या बताते, मैं एक बात कर रहा हूं, जैसे लोग इल्जाम लगाते ना सर इसके नीचे फौरन आएगा। यार ये कैसे हो सकता है? अगर मैं डिविएट हो जाता मिस कर सकता था मैं, लेकिन एक ना करें यार। और दिस इज विक्टर ह्यूगो। दुनिया के अजीम तरीन नॉवलिस्ट में से एक, बल्कि सच पूछे नैरो डाउन करें ना तो दुनिया के 5 अजीम तरीन नॉवलिस्ट में से एक। मैं खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ विक्टर ह्यूगो को और उसके कामों को जिनमें ले मिजराबल स्टैंड्स आउट। हंचबैक ऑफ नोटर डेम इज इक्वली वेरी गुड। क्या कह रहे भाई, लगाओ ठेका भाई, बात अच्छी। शेख साहब उठो जरा, शेख साहब भी बहुत अच्छा नाचते हैं भाई। अल्लाह, ये बताना पसंद करेंगे आपके इतना आसान कैसे किसी से मोहब्बत करना? वो इतना आसान भी इतना नहीं है, आसान भी नहीं तुझसे मोहब्बत करना। ना बात मेरी वही रह गई, ये बूझ कैसे लेते हैं? बड़ा मुश्किल है यार, मैं तो चकरा गया। और आपके ख्याल में क्या तरीका होगा? आप इनी मीनी मैना मोह से पूछते हैं यानी कि 4-5 बंदे सामने रख के उनको इनी मीनी मैना मोह करते हैं। यस हमने एक शख्सियत पूछी थी फ्रांस से, मैं कौन हूँ? बब्बू राणा, डॉक्टर रूबा, खावर खावर और खावर और परला है नहीं आफ्ताब इकबाल साहब, वो मैं हूँ मैं। स्टूडियो है, लाइटें लगी हैं, ओ कैमरे। अच्छा उमर, ये ना जो नया नया आता है ना उसके साथ इसी तरह, जैसे ये फर्स्ट ईयर में नया नया को आया ना बेचारा, रैगिंग कर, तो जिस तरह रैगिंग होती तो आपने माइंड नहीं करना। मुझे उम्मीद थी कि बबू राणा इसी तरह स्टार्ट करेंगे। वाह, उसका भाई उसे टिप दे के कोई ना कोई बार्सिलोना गया है, ऐसे नहीं? ये अहमद का भाई है जी, अहमद के छोटे भाई है जी, क्या कहने, उमर साहब है ये, उमर भाई वेरी गुड। और ये फिजिक्स में मास्टर्स करने जा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये कोई ना काफी ज्यादा भाई है और सब ही PhD कर रहे हैं, कोई किसी में कोई किसी में के। एक भाई रोबोटिक्स में कुछ कर रहे हैं सर। वाह जी, जी। साल बोले, खुल के बोले, आपके भाई की बात नहीं, सारी बात तो आपने बता दी है। रोबोटिक्स में PhD कर रहे हैं तो फिर मैं आगे क्या बताऊंगा? पट्टी बन के ले आई जा।
प्रेयर्स, ये थी आज के एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।